ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए सम के बारे में। ये सम है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड का, और ये इसका कोन का सेकंड सम है। तो देखिए क्या दिया। अ कोन ऑफ बेस 70 mm डायमीटर एन एक्सिस 90 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स HP। कहाँ पे बेस है? HP पे रेस्ट कर रहा है। इट इज कट बाय एन सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू HP। क्या है? परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू एंड 20 mm अवे फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड जनरेटर। कोई तो एक एंड जनरेटर से वो कितना दूर पे है? वो 20 mm दूर है। ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो देखिए लेट्स, ये देखिए कोन है आपका। कोन को हमने ग्राउंड पे रखा है। ओके, ग्राउंड पे रखा है, सही है, प्लेन पे रखा है। ये ग्राउंड है, ये सामने आएगा आपका वर्टिकल प्लेन। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन लिया, उसे मैं कट कर रहा हूँ। ये जो प्लेन है, इसका जो ये फेस होगा, ये फेस, दिस फेस इज परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर है? VP को। ये VP प्लेन सामने रहेगा, वहां पे ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसे यहाँ पे मैं ऐसा कट कर रहा हूँ। बट जब कट कर रहा हूँ तो ये जो प्लेन है वो किसको पैरल है? इसका जो ये जनरेटर है यहाँ पे, इमेजिनरी फेस यहाँ पे, ये और ये, उसको वो क्या है? पैरल। मतलब इसको यहाँ से पैरल लेना है और यहाँ से कट करना है। तो ये इस तरह कट होगा। और ये फेस क्या होगा? ये सामने जो दीवार है वर्टिकल प्लेन, उसको क्या है? वो परपेंडिकुलर। देखिए ये और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं ये एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, राइट है नाउ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 70 mm का डायमीटर वाला आपको कोन का बेस बनाना है। तो उसका रेडियस होगा आपका 35। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको नो यहाँ से आपको ये 120, 30 और यहाँ पे 35, यहाँ पे हमने कर लिया मेजर। ये होगा आपका 0.0/P और ये होगा आपका 1। तो यहाँ पे रखना है आपको O और P पॉइंट पे राउंडर का सेंटर, और 1 पे रखना है, और यहाँ से करना है आपको एक सर्कल ड्रॉ। ओके, सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका डायमीटर है 70 और रेडियस है इसका 35। नाउ ये होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 8 पार्ट में। तो सबसे पहले इसे लेंगे और आगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज 90 डिग्री वाली लाइन, यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी, देन यहाँ पे रखना है प्रोट्रैक्टर और यहाँ से मेजर करना है 45 डिग्री। ओके, सेट करना है यहाँ पे, और यहाँ से 45 यहाँ पे आया, 0, 10, 20, 30, 40 और 45। उसी तरह यहाँ पे 0, 10, 20, 30 और यहाँ पे आया 45। ओके, देन रिवर्स घुमाना है, नीचे रखना है, यहाँ पे सेट करना है, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 45। देखिए यहाँ पे आया नीचे 45, 0, 10, 20, 30, 40 और 45। उसी तरह यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे 45। नाउ अब तीनों को एक लाइन में आने चाहिए पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये 45 का और यहाँ वाला। ओके, इसे लेना है और यहाँ से करनी है लाइन पास। उसी तरह इसे रखना है, सेट करना है और यहाँ से करनी है लाइन पास। ओके, लाइन पास कर दी हमने। अब देना है इसे नेमिंग। क्या करना है यहाँ पे? देना है इसे नेमिंग। तो ये होगा 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, इतने पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, अभी लेना है सबका प्रोजेक्शन कहाँ पे? एक्स वाई लाइन तक।
एक्सेप्ट सेंटर की जो लाइन है उसे आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। नाउ देन यहाँ से लेके ये 2 और 8 है, वहाँ से करना है लाइन अप टू ये पॉइंट तक, देन 1 से लेके यहाँ तक, देन 4 से लेके 6 तक की लाइन को यहाँ तक और 5 की लाइन को यहाँ तक कर दिया। देन यहाँ पे नाम दे दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 डैश, यहाँ पे हो जाएगा 2 डैश, 8 डैश। देखिए एक्स वाई के ऊपर जो एयर उस पर आएगा वो होगा डैश से, ओके। ये हो जाएगा 3 डैश, 7 डैश, कॉमा कॉमा, और बीच में आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे होगा 4 डैश, 6 डैश, और यहाँ पे होगा 5 डैश। और एक्सिस का लेंथ है आपका 90, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे मेजर करूँगा 90, ओके। ये हो गया 90 mm का पॉइंट हमने मेजर कर लिया। नाउ अब करेंगे यहाँ से जॉइनिंग, ये होगा मेरा पहला एंड जनरेटर, ये होगा मेरा दूसरा एंड जनरेटर, यहाँ पे रखना है, सेट करना है यहाँ से जॉइन। नाउ फिर यहाँ से ये पॉइंट से 2 और 8 के लाइन को जॉइन, उसी तरह यहाँ पे रखना है और यहाँ से ये जॉइन, तो ये होगा पॉइंट आपका पी डैश, हो गया ये। अब देखिए क्या बोला है उसने स्टेटमेंट में कि कोई तो क्या है आपका जो जो ऑक्सिलरी प्लेन है जो कट कर रहा है वो पैरेलल है वन ऑफ द एंड जनरेटर और 20 mm अवे फ्रॉम द उसका एक जनरेटर से अवे। तो देखिए मैंने कंसिडर किया ये मेरा एंड जनरेटर है जो कि जिसका रेफरेंस मैं लेने वाला हूँ, तो इसका रेफरेंस लेना है, तो यहाँ से कितना है वो इसका पैरेलल है 20 mm। कैसे ड्रॉ करूँगा, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे रखूँगा से ये पॉइंट पे पी पॉइंट पे, और इसे रखूँगा यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे पी पे रखा, और यहाँ से मैं मार्क करूँगा 90, मार्क कर दिया यहाँ पे 90। तो इसे क्या करूँगा, यहाँ से खींचूँगा एक लाइन, लाइन खींचा और यहाँ से लेके यहाँ पे मेजर करूँगा 20 mm, 10 20, यहाँ पे किया मैंने 20 mm मेजर, ओके हो गया मेजर यहाँ से। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा रेफरेंस, इसका लूँगा रेफरेंस ये जनरेटर का, और यहाँ से जो पॉइंट मार्क किया है 20 का वहाँ से करूँगा लाइन पास, लाइन पास कर दी आपने यहाँ से। नाउ अभी इसे क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पे बनाऊँगा इसे है आपका सेंटर लाइन से, इसे बनाऊँगा मैं सेंटर लाइन से। तो देखिए किस तरह से बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, बड़ी लाइन डॉट, ओके इस तरह से ये कट हो गया, ओके समझ गया ये, हमने इसे इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। नाउ तो ये जो होगा यहाँ पे दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इसका से नाम बोलेंगे हम एस और एस डैश, क्या बोला इसका नाम एस और एस डैश, हमने इसका नाम हमने यहाँ पे इसे बोल दिया। नाउ ये होने के बाद देखिए फिर क्या करना है आपको, इसका सब जो प्रोजेक्शन है आपको लेना है नीचे। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा पहला वीडियो हमने क्या किया था, 8 पॉइंट से पूरे 8 लाइन से यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे 1 से लेके P, दूसरा 2 से P, 3 से P, 4 से P, 5 से P, 6 से P, 7 से P और 8 से P। तो देखिए ये 1 से P, 2 से P, 3 से P, 4 से P, 5 से P, ऑपोजिट रिवर्स में 6 से P, 7 से P, 8 से P, ओके। तो पहला जो पॉइंट कट होगा, देखिए पहला पॉइंट कहाँ कट हुआ है, ऑक्सिलरी प्लेन ने कहाँ कहाँ कट किया है, तो ये 1 से P पे यहाँ पे कट हुआ है वो होगा P1, तो यहाँ पे आएगा P1। P से लेके 2 के लाइन को यहाँ कट हुआ है वो होगा P2, ये हो गया P2। देन यहाँ पे कट हुआ है वो लाइन क्या है मेरा, P से लेके 3 वो होगा P3। देन P से लेके 4 पे कहाँ पे कट हुआ, नहीं हुआ, कहाँ पे डायरेक्ट कट हुआ, ये नीचे कट हुआ है, राइट है, वहाँ पे कहाँ पे कट हुआ, ये नीचे कट हुआ है, तो इसका नाम होगा मेरा से P4। क्या बोला इसका नाम मैंने P4, वो कहाँ कट हुआ है,
आपके नीचे बेस जो कर्व है नीचे का वहां पे कट हुआ है, कहाँ कट हुआ है, ये प्लेन पे वो कट हुआ है। ओके नाउ उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे P4। अब वो पीछे घूमेगा, ये आएगा P5, क्या हो जाएगा वो P5, राइट है। देन अब पीछे जा रहा है, यहाँ पे 7 पे भी कट हुआ है, P से 7, ये हो जाएगा P3 डैश कॉमा P7 डैश। उसी तरह ये P से 8 भी है, ये हो जाएगा P2 डैश कॉमा P डैश, ये हो जाएगा P1 डैश। XY के ऊपर सब होते हैं डैश, ओके। तो ये P4 डैश P5 डैश, तो इस तरह ये कट हो गया। तो देखिए अब लेना यहाँ पे प्रोजेक्शंस, तो सबसे पहले ये लेंगे P4 P5 जो कट हुआ है नीचे कोन पे, वहां से सीधा लाइन आएगा, लाइन आगे सीधा, वो कहाँ कट हुआ है, नीचे पेरीफेरी पे। तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा P4, यहाँ पे हो जाएगा P5। ओके क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ उसके बाद लेना है वर्टिकल रेफरेंस P1, ये रहा P1, कहाँ कट हुआ P1, ये लाइन है P1 का, यहाँ कट हुआ, तो ये हो जाएगा मेरा P1। उसी तरह इसको लेना है आगे रेफरेंस, ये रहा P2 P8 का लाइन, तो ये रहा P से लेके 2, ये हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट, ये हो जाएगा P से लेके 8, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा यहाँ पे P2, ये हो जाएगा यहाँ पे P8। ओके ये हो गया यहाँ पे, इस पे यहाँ पे नाम है P8, यहाँ पे नाम है P2। ओके उसके बाद P3 P7, ओके छोड़िए, देखिए P4 तो हो गया, यही बचा है, तो क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए करना है सिंपल टेक्निक है हमारे पास। यहाँ से क्या करना है आपको, जहाँ पे P3 P7 है वहाँ से करना है आपको लाइन ड्रॉप यहाँ तक, फिर लेना है वर्टिकल रेफरेंस, वर्टिकल लाइन का रेफरेंस, और यहाँ से करना है लाइन पास। ओके वर्टिकल लाइन का रेफरेंस और यहाँ से करना है आपको लाइन पास यहाँ तक, ये मिला पॉइंट यहाँ पे। देन ओ को रखना है सेंटर और यहाँ से करना है आपको लाइन आर कट, आर कट कर दिया, कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे P3 से P पे हो जाएगा P3, और यहाँ पे जहाँ पे कट हुआ है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका P8, क्या हो जाएगा वो P8। ओके तो देखिए किस तरह बनाएंगे आप इसे। सबसे पहला इसे करना है जॉइंट, ये हो गया जॉइंट। नाउ फिर यूज करना है फ्रेंच कर्व यहाँ पे कर, ये देखिए आ गया यहाँ पे ऐसा। उसी तरह यहाँ पे नीचे ये बन गया यहाँ पे, इसे देना है आपको हैश लाइन अभी यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से आएगी हैशिंग लाइन, नीचे से स्टार्ट करना है कभी भी, और एंगल रखना है 45 डिग्री। ओके नियर बाय चलेगा, नॉट नेसेसरी 45, बस इस तरह से लाइन आपको यहाँ पे बनानी है हैशिंग लाइन। ओके ये बन गया आपका ट्रू शेप, और सॉरी टॉप व्यू बन गया, और यहाँ पे बन गया आपका ये पैराबोला, क्या बन गया यहाँ पे ये पैराबोला। ओके नाउ अब क्या करना है, देखिए आपको अब आपको ये टॉप व्यू दिखना चाहिए कि कट हुआ है करके ऊपर से, तो रखना है ओ पे सेंटर, और यहाँ पे जो रेडियस है उसका यहाँ से इसे बना देना है इस तरह, और यहाँ पे बनाना है इस तरह, ये हो गया यहाँ पे इतना आर कट। तो इस तरह से इतना पोर्शन ही क्या हो गया, कट हो गया, इतना ही पोर्शन दिख रहा है आपको सामने से, देखिए ये पोर्शन चला गया, इतना ही पोर्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये होने के बाद अब बनाना है मुझे ट्रू शेप, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक पॉइंट मार्क करना है, से ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, वो पॉइंट है मेरा P4 डैश P5 डैश। देन इसे करना है यहाँ पे सेट, और यहाँ से करना है मेजर अप टू P1 तक, यहाँ तक लिया P1 तक मेजर, और यहाँ से लेके
आपको करना है आर कट, आर कट कर दिया देन ये हो जाएगा आपका पॉइंट से पी वन डैश, देन पी फोर से रखना है अप टू पी टू तक, कहाँ तक अप टू पी टू पी सिक्स तक यहाँ पे लेना है और यहाँ से करना है आर कट। उसी तरह यहाँ पे रखना है, यहाँ पे पी थ्री पी सेवन है, यहाँ पे लेके इसे करना है आर कट। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया यहाँ पे दिस इज पी टू डैश पी सिक्स डैश, यहाँ पे जो है पी थ्री डैश और यहाँ पे पी सेवन डैश। नाउ अब लेना है यहाँ पे वर्टिकल रेफरेंस, वर्टिकल लाइन यहाँ से आपको करनी है ड्रॉप, इससे लेंगे रेफरेंस वर्टिकल लाइन को और यहाँ से करेंगे ये ड्रॉप, यहाँ से ये ड्रॉप, यहाँ से ये ड्रॉप और यहाँ से ये ड्रॉप। ओके ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ पे, अब लेना है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, देन जो पॉइंट है पहला पहला यहाँ पे आएगा वो पी फोर, कहाँ पे आया वो पी फोर, पी फोर हमने यहाँ पे कट किया तो पी फोर कहाँ पे यहाँ पे, सो दिस इज पी फोर। उसके बाद अगेन लेना है यहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे आया मेरा पी थ्री, क्या है यहाँ पे पॉइंट मेरा दिस इज पी थ्री। ओके पी थ्री का पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी थ्री कट। यहाँ पे आ रहा है वो पी थ्री, उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे पी टू, देखिए यहाँ पे पी टू कहाँ कट हुआ पी टू यहाँ पे, ये पी टू का लाइन है यहाँ कट हुआ दैट इज पी टू। उसी तरह यहाँ पे आगे करेंगे इसे एक्सटेंड, ये है पी वन का लाइन, यहाँ पे मिला आपको पी वन, उसी तरह इसे लेंगे रेफरेंस नीचे करेंगे ड्रॉ, दिस इज ये हो गया आपका ये जो कट हुआ वो है आपका पी एट, कहाँ पे आ रहा है आपका पी एट, ये पी एट का पॉइंट है ये यहाँ पे दिस इज पी एट। ओके क्लियर यहाँ पे आपको ये ना। उसके बाद जो और नीचे पॉइंट है यहां से नीचे आएंगे ये पॉइंट है यहां पे पी फाइव वाला, इसे करेंगे आगे यहां पे ड्रॉ, तो पी फाइव कहाँ पे ये पी फोर पी फाइव यहाँ पे हो जाएगा कट, दिस इज पी फाइव। नाउ इस तरह ये बन गया, अब यहाँ पे हम करेंगे जॉइन। ओके तो देखिए किस तरह करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको करना है एटलीस्ट थ्री तीन पॉइंट आने चाहिए, सेट किया यहाँ पे तीन पॉइंट आ गए, यहाँ पे तीन पॉइंट लेने हैं हमें, देखिए ये जो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस। ओके ना ये हो गया, देन उसके बाद अगेन सेट करना है, मैच करते रहना है आपको कहां पे आपको स्मूथ कर्व दिख रहा है, यहां पे ये हो गया हमने पी सेवन को यहां पे हमने पी सेवन भूल गए यहां पे, दिस इज पी सेवन, ये क्या है पी सेवन है, यहां से करना है लाइन पास दिस इज पी सेवन वाला वो यहां पे आ रहा है दिस इज
पीस है भाई। ओके करना यहां पे सेट। यहाँ पे आएगा वो और यहां से करना है यहां से लाइन ड्रॉप। ओके तो इस तरह ये बन गया है। अब यहाँ पे देना है इसे सेक्शन लाइन, तो इसे हम दे देंगे अभी सेक्शन लाइन। देखिए किस तरह से ये बन गया आपका ट्रू शेप ऑफ दी पैराबोला। ओके ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया सेक्शनल टॉप व्यू और ये हो गया ट्रू शेप। ओके तो इस तरह से आपका ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।